नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. पहले हमने प्रोटीन पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. तो सबसे पहले स्टडी करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की. सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट की मीनिंग. कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट क्यों बोलते हैं? इट इज नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इसलिए इसका नाम कार्बोहाइड्रेट्स है. इट इज नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. और अगर हम चले आगे तो ये दुनिया का वाहिद मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन फिक्स्ड है. इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों बोलते हैं? ये रहा कार्बन और ये इसका कहलाता है हाइड्रेट N. N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो इनका फिक्स रेशियो होता है. मीनिंग के बाद पढ़ते हैं, आगे चलते हैं डिस्कवरी. दिस हैज नॉट बी रिटन इन योर बुक्स, मगर इसकी डिस्कवरी, इसको डिस्कवर किया था फिशर एक साइंटिस्ट ने, जिसने सबसे पहले ग्लूकोस की ओपन चेन फार्मूला, या आप कह सकते हैं ग्लूकोस का स्ट्रेट चेन फार्मूला डिस्कवर किया था. डिस्कवरी के बाद आगे चलते हैं, डिस्कवरी के बाद पढ़ते हैं डेफिनेशन. कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है? इट इज वन ऑफ द मेजर ग्रुप ऑफ, इट इज मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. इट इज मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. मेजर ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट्स. एंड इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड रेशियो. और वो फिक्स रेशियो कौन सा है? 1:1. 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, 1:1. एंड दे एक्ट एज एनर्जी रिजर्वायर इनसाइड द लिविंग सिस्टम. कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी रिजर्वायर, एनर्जी स्टोरेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ. कार्बोहाइड्रेट की पढ़ते हैं यूनिट. कार्बोहाइड्रेट के यूनिट को हम लोग कहते हैं सैकराइड. सैकराइड लफ्ज निकला है शुगर से, जिसको हम लोग कहते हैं सैक्रॉन. सैक्रॉन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है शुगर. और यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट सैकराइड, इसका यूनिट की टाइप्स है. द टाइप्स ऑफ सैकराइड आर depends on the number of carbons. सैकराइड का यूनिट डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन्स पे. एक कहलाता है जिसमें 3 कार्बन की चेन हो, एक कहलाती है 4 कार्बन की चेन, एक 5 कार्बन की चेन, एक 6 कार्बन की चेन और एक 7 कार्बन. कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट होता ही 3 कार्बन की चेन से. इसको हम लोग कहते हैं ट्रायोस. इसका नाम कहलाता है टेट्रोस. इसको हम लोग कहते हैं पेंटोस. ये कहलाता है हेक्सोस. और इसको हम लोग कहते हैं हेप्टोस. जो 3 कार्बन की चेन है उसका नाम है, 3 कार्बन की चेन का नाम है ग्लाइसरोस. 4 कार्बन की चेन का नाम है और इसको कहते हैं इरिथ्रोस. 5 कार्बन की चेन है, इसका नाम है राइबोस. 6 कार्बन की चेन है, उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोस. और 7 कार्बन की चेन है तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोहेप्टोस. तो कार्बोहाइड्रेट की मीनिंग क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन डिस्कवर किसने किया? फिशर ने. डेफिनेशन क्या है? मेजर ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड है. यूनिट का नाम सैकराइड है और ये टाइप्स ऑफ सैकराइड. मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ और आगे पढ़ते हैं. तो टाइप्स ऑफ सैकराइड के बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ
कार्बोहाइड्रेट्स। कौन कौन सी कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स हैं? कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ सैकेराइड्स। एक जिसका नाम है मोनोसैकेराइड, एक जिसका नाम है ऑलिगोसैकेराइड, और एक जिसको कहते हैं पॉलीसैकेराइड। ये रहा नंबर वन मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कंसिस्ट ऑफ द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल सैकेराइड यूनिट। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक सैकेराइड यूनिट हो उसको हम लोग कहते हैं मोनोसैकेराइड। और इनकी एग्जाम्पल में आता है ग्लूकोस, इनकी एग्जाम्पल में आता है गैलेक्टोस, इनकी एग्जाम्पल में आता है फ्रक्टोस। इन तीनों का फॉर्मूला सेम है, ये भी हेक्सोस शुगर है, ये भी हेक्सोस शुगर है और ये भी हेक्सोस शुगर है। इनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं। ग्लूकोस का फंक्शनल ग्रुप कहलाता है एल्डोस, एल्डिहाइड। गैलेक्टोस को कहा जाता है इट इज कॉल्ड एज मिरर इमेज ऑफ ग्लूकोस। और फ्रक्टोस के अंदर जो ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप उसको कहते हैं कीटोन ग्रुप। मेन चीज क्या है? मेन चीज है इस मोनोसैकेराइड के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर द डिफरेंट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकेराइड? नंबर वन, दे ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी सैकेराइड हैं वो सारे वाटर में सॉल्युबल हैं। नंबर टू, दे ऑल आर स्वीट इन टेस्ट। सब के सब शुगर मीठे। नंबर थर्ड, दे ऑल आर प्रेजेंट इन व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड फॉर्म। सब के सब चीनी की तरह क्रिस्टल की कलर के होते हैं। नंबर फोर, दे ऑल आर सिंपलेस्ट शुगर। नंबर फाइव, दे कैन नॉट फर्दर डिवाइड इट, दे कैन नॉट फर्दर डिजॉल्व। ये और डिवाइड नहीं हो सकते, ये और डिजॉल्व नहीं हो सकते। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। फिर मोनोसैकेराइड के बाद नेक्स्ट चलते हैं और उसका नाम है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड मीन्स द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कंसिस्ट ऑफ 2 to 10 सैकेराइड यूनिट। 2 से 10 सैकेराइड यूनिट में हो उसको कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। जिसमें से 2 सैकेराइड यूनिट वाले को हम नाम देते हैं डायसैकेराइड का, और 3 to 10 सैकेराइड वाले यूनिट को हम लोग नाम देते हैं डेक्सट्रिन। फिर आगे चलते, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डाइसैकेराइड?
डाइसैकेराइड की कौन कौन सी टाइप्स हैं? नंबर वन ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस इज इक्वल टू माल्टोस, और माल्टोस वो डाइसैकेराइड है जिस जो पाया जाता है माल्ट शुगर में। माल्ट शुगर का मतलब वीट, ओट, ग्रेन, कॉटन में। और प्लस इसके साथ वाटर बनता है। फिर ग्लूकोस प्लस गैलेक्टोस को मिलाते तो बनता है लैक्टोस प्लस वाटर। लैक्टोस कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज मिल्क शुगर, और वो पाया जाता है मिल्क में, काउस मिल्क में। और आगे चलते हैं, फिर है ग्लूकोस प्लस फ्रक्टोस। ग्लूकोस और फ्रक्टोस को मिलाएंगे तो बनता है सक्रोस। सक्रोस पाया जाता है शुगर कैन में, इसको कैन शुगर भी कहते हैं। डाइसैकेराइड के बाद बारी आती है डेक्सट्रिन की। डेक्सट्रिन इट इज प्रेजेंट इन वेरी रेयर फॉर्म इन नेचर, और डेक्सट्रिन ज्यादातर आपको सीरियल प्रोडक्ट्स में मिलेगी। डेक्सट्रिन आपको मिलेगा सीट कोट के ऊपर, आपको मिलेगा राइस में एंड ओट ग्रेन वगैरह में। फिर ओलिगोसैकेराइड के बाद नंबर थर्ड हम पढ़ते हैं, और उसका नाम है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब है द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच कंसिस्ट ऑफ मैनी सैकेराइड यूनिट, और विच कंप्राइजेस ऑफ मोर देन 10 सैकेराइड यूनिट। पॉलीसैकेराइड की टाइप्स हैं, नंबर वन, नंबर टू। नंबर वन है थ्रू द एनिमल ओरिजिन, नंबर टू है थ्रू द प्लांट ओरिजिन। एनिमल ओरिजिन कहलाता है ग्लाइकोजन, प्लांट ओरिजिन कहलाता है स्टार्च एंड सेलुलोज। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। ये है पॉलीसैकेराइड, एक पॉलीसैकेराइड का नाम है ग्लाइकोजन, एक पॉलीसैकेराइड का नाम है सेलुलोज, एक पॉलीसैकेराइड का नाम है, और उसको हम लोग कहते हैं स्टार्च। ग्लाइकोजन कहलाता है, इट इज मोस्ट अबंडेंट एनिमल पॉलीसैकेराइड। सेलुलोज कहलाता है, इट इज मोस्ट अबंडेंट या प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट एज प्लांट पॉलीसैकेराइड। और स्टार्च कहलाता है,
इट इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट, सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट प्लांट पॉलीसेक्राइड। ग्लाइकोजिन के बारे में मशहूर है कि ग्लाइकोजिन का जो यूनिट है उसको बोलते हैं ग्लूकोस मॉलिक्यूल। स्टार्च के लिए अगर हम पढ़ें तो स्टार्च का जो यूनिट है वो, सेलुलोज का जो यूनिट है वो कहलाता है सेलोबायोस मॉलिक्यूल, जिसमें 14 ग्लूकोस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और स्टार्च के यूनिट को हम लोग कहते हैं अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस के अंदर आता है स्ट्रेट चेन और अमाइलोपेक्टिन के अंदर आता है ब्रांच चेन कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोजन को कहा जाता है इट इज एक्ट एज एनर्जी रिजर्वायर इन एनिमल बॉडी। सेलुलोज को कहा जाता है इट एक्ट एज स्ट्रक्चरल कंपोजिशन बिल्ड अप प्लांट्स। और स्टार्च के बारे में कहा जाता है इट एक्ट एज एनर्जी रिजर्वायर इन प्लांट सेल। अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ग्लाइकोजन वाटर में इनसॉल्युबल है। अगर हम इसको हीट करें तो ये ग्रेन्युलर फॉर्म में चेंज होगा और वो हो जाती है सॉल्युबल इन वाटर। अगर हम सेलुलोज की बात करें तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर। अगर हम स्टार्च की बात करें तो इट इज टोटली इनसॉल्युबल इन वाटर। फिर आगे चलते हैं ग्लाइकोजन, इट एक्ट एज स्टोरेज प्रोडक्ट। इट एक्ट एज फोटो सिंथेटिक प्रोडक्ट। और स्टार्च, इट एक्ट एज सिक्रेटरी प्रोडक्ट। इट एक्ट एज फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। स्टार्च फोटोसिंथेसिस से आया। ये देखें कैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर बनता है ग्लूकोस और ऑक्सीजन, और ये जो ग्लूकोस है ये सक्रोस और स्टार्च की फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन मसल्स। ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन एडिपोस टिश्यू। स्टार्च सेलुलोज प्रेजेंट इन सेल वॉल एंड कॉटन, वेयर एज स्टार्च प्रेजेंट इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड क्लोरोप्लास्ट। जो कार्बोहाइड्रेट के दरमियान बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मैं आपको बनाकर दे रहा हूं ग्लूकोस का
क्लोज्ड या रिंग चेन फॉर्मूला। जरा देखिएगा उसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनता है। ये रहा ग्लूकोस, ये रहा ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं कार्बन वन, कार्बन टू, कार्बन थ्री, कार्बन फोर, कार्बन फाइव और उसके ऊपर होता है कार्बन सिक्स। ये देखिएगा ये ऑक्सीजन, कार्बन वन, कार्बन टू, कार्बन थ्री, कार्बन फोर, कार्बन फाइव, कार्बन सिक्स। आप इन सब के साथ लगा दीजिए कार्बन वन और ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा कार्बन वन। अब एच ओ एच, एच ओ एच, एच ओ एच सबके साथ हाइड्रेट्स लगा दें। एच ओ एच, एच ओ एच सबके साथ आप लगा दें, इसके साथ भी लगाइएगा। ये देखिएगा ये रहा एच और ये रहा ओ एच, ये रहा ओ एच, ये रहा एच, ये रहा एच ओ एच, एच ओ एच, एच ओ एच, एच ओ एच, एच और ओ एच। अब ये लिंकेज कैसे बनता है। कार्बन वन का जाएगा ओ एच और कार्बन फोर का जाएगा एच। ये एच ओ एच जाएंगे और इनके जाने से वाटर रिमूव होगा और इनमें बॉन्ड आपस में फॉर्म्ड होगा इस तरह से। और ऐसा बॉन्ड जो बने दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के दरमियान, उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, अगर आप वाटर ऐड करेंगे तो इनके दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो एक का एच लिया जाता है, एक का ओ एच, और ये वाला लिंकेज कहलाता है सी वन सी फोर लिंकेज। तो हमने पढ़ा इधर आएगा कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहले मीनिंग हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इसकी डिस्कवरी फिशर ने की। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स्ड है। ये यूनिट है सैकराइड, ये टाइप्स ऑफ सैकराइड्स हैं, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। ये कहलाता है मोनोसैकराइड, ये कहलाता है ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड मींस 2 टू 10, 2 का नाम डायसैकराइड, 3 टू 10 का नाम टेक्सटिन। ये कहलाता है डायसैकराइड माल्टोस, लैक्टोस, सक्रोस। डेक्सट्रिन वेरी रेयर अमाउंट में पाया जाता है। पॉलीसैकराइड मींस ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर 10 से ज्यादा सैकराइड के यूनिट हो, मोर देन 10। एनिमल ओरिजिन ग्लाइकोजन, प्लांट ओरिजिन स्टार्च और सेलुलोज। और ये देखिएगा ग्लाइकोजन मोस्ट अबंडेंट एनिमल पॉलीसैकराइड, मोस्ट अबंडेंट सेलुलोज कहलाता है प्लांट पॉलीसैकराइड, और सेकंड नंबर पर आता है और वो कहलाता है स्टार्च। ग्लाइकोजन के यूनिट को कहते हैं ग्लूकोस, इसके यूनिट को सेलोबायोस, इसके यूनिट को कहते हैं अमाइलोस, अमाइलोपेक्टिन, स्टेट और ब्रांच है। ग्लाइकोजन एनर्जी रिजर्वायर है एनिमल में, ये एनर्जी रिजर्वायर है प्लांट में, और ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लांट्स। ग्लाइकोजन इनसॉल्युबल है वाटर में, अगर आप हीट करेंगे ग्रेन्युलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर वो सॉल्युबल हो जाएगा। ये सॉल्युबल इन वाटर, इट इज टोटली इनसॉल्युबल इन वाटर। दे एक्ट एज स्टोरेज, दे एक्ट एज सिक्रेटरी प्रोडक्ट, दे एक्ट एज फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है मसल्स में, एडिपोज टिश्यू में, सेलुलोज पाया जाता है सेल वॉल में, कॉटन में, और स्टार्च पाया जाता है ग्रीन वेजिटेबल्स में, क्लोरोप्लास्ट में और पोटैटो में। ये ग्लूकोस का कहलाता है क्लोज चेन फॉर्मूला। एक का एच जाएगा और एक का ओएच निकलेगा, तो इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा। ग्लूकोस के दरमियान बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो हम अपना लेक्चर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में ऑफ करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।